की शुरुआत एक शॉप से होती है जहाँ कुछ गुंडे आकर शॉपकीपर को लूटने की कोशिश कर रहे थे। तभी एंट्री होती है ओगजू की। वो शांति से अपने सामान के पैसे देती है। तभी गुंडे ओगजू के हाथ में ढेर सारे पैसे देकर उससे छीनने की कोशिश करता है। इससे ओगजू को गुस्सा आ जाता है। वो अकेले ही उन गुंडों का सामना करती है। वो उनको बुरी तरह से पीट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक बैले डांस परफॉर्मेंस पे। यहाँ मिन्ही नाम की लड़की काफी घबराई हुई थी। वो घबराते हुए डांस करती है। फिर उसकी नजर ऑडियंस पे पड़ती है और वो पूरी तरह से डर जाती है। इसके बाद वापस ओगजू को दिखाया जाता है। वो अपने घर पर खाना वाना खाकर सो जाती है। तभी उसे मिन्ही कॉल करती है और कहती है कि हमें मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, मुझे कुछ बातें भी करनी है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। ओगजू तुरंत मिन्ही के घर जाती है। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब मिन्ही दरवाजा नहीं खोलती तो ओगजू खुद ही दरवाजा खोल देती है, क्योंकि उसे मिन्ही के घर के लॉक का पासवर्ड पता था। अंदर बेड पे ओगजू को सरप्राइज गिफ्ट दिखता है। वो उसे खोलती है। उसके अंदर पिंक कलर के शूज थे, साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि प्लीज मेरा बदला लेना, मैं जानती हूँ ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। साथ ही नोट पे सेफ चोई का वेबसाइट भी मेंशन था। ओगजू थोड़ी डर जाती है। वो तुरंत मिन्ही को कॉल करती है। फोन रिंग होने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। ओगजू अंदर जाती है और जो देखती है उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल मिन्ही बाथटब में मरी पड़ी थी, उसने खुद को खत्म कर दिया था। ये देखकर ओगजू टूट जाती है। आखिर मिन्ही ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा, ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। पर उससे पहले हम ओगजू और मिन्ही की फर्स्ट मीटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो लास्ट ईयर ओगजू एक केक शॉप पे गई थी। वहाँ मिन्ही काम करती थी। वो बताती है कि शॉप बंद हो चुका है, पर जैसे ही वो ओगजू को देखती है तो कहती है कि कोई नहीं, आप केक पसंद कर सकती हो। मिन्ही ओगजू के पसंद की केक पैक कर देती है और ओगजू से सवाल करती है कि आज किसी का बर्थडे है क्या, दरअसल मैं उसी हिसाब से इसमें विश कार्ड और कैंडल लगा दूंगी। तब ओगजू बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा ही बर्थडे है। ये सुनकर मिन्ही खुश हो जाती है। वो ओगजू को बर्थडे विश करते हुए याद दिलाती है कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे। ओगजू को भी याद आ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर ओगजू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ओगजू बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड का काम किया करती है। वहीं मिन्ही केक शॉप के अलावा बैले डांस करती है। बेसिकली वो एक बैलेरीना है। प्रेजेंट में ओगजू सेफ चोई का वेबसाइट विजिट करती है और फिर अपनी दोस्त मिन्ही को याद करती है कि कैसे मिन्ही ने ओगजू की बेरंग जिंदगी खुशियों से भर दी थी। तभी मिन्ही के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ओगजू कॉल रिसीव करती है पर कुछ बोलती नहीं है। सामने से एक बंदा कह रहा होता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ हो, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, अगर तुम चाहती हो कि उन्हें ना पता चले तो कल जमसू ब्रिज पे आ जाना। नेक्स्ट डे ओगजू दूर से ही जमसू ब्रिज पे नजर रख रही थी। वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी कुछ लोगों को ड्रग्स दे रहा था और फिर मिन्ही को वो कॉल करता है। ओगजू कॉल रिसीव नहीं करती है पर वो समझ जाती है कि जरूर यही आदमी चोई है। ओगजू चोई की कार का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। अगली सुबह हम चोई को एक्सरसाइज करते हुए देखकर समझ पाते हैं कि चोई काफी दमदार आदमी है। एक्सरसाइज के बाद चोई अपनी लंबरगिनी लेकर निकल जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ओगजू चोई के घर में घुस जाती है। सबसे पहले वो चोई के घर में हिडन माइक छिपा देती है ताकि वो चुपके से चोई की सारी बातें सुन सके। इसके बाद वो घर की तलाशी लेती है। उसे कबर्ड में कपड़ों की जगह BDSM की चीजें मिलती है, यानी चोई वायलेंट सेक्स में इन्वॉल्व होना पसंद करता था। साथ ही एक ड्रॉअर में कई सारे पेन ड्राइव्स रखी हुई थी। उन पेन ड्राइव्स में लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। इनमें से एक में बैलेरीना लिखा हुआ था। ओगजू उस पेन ड्राइव को चेक करती है। उसे उसमें मिन्ही की वीडियो मिलती है जिसमें मिन्ही बेहोश थी और चोई मिन्ही का गलत तरीके से फायदा उठा रहा था। इससे हम समझ पाते हैं कि जरूर चोई इसी वीडियो की मदद से मिन्ही को ब्लैकमेल कर रहा होगा। इसी से परेशान होकर मिन्ही ने खुद को खत्म कर लिया। सच्चाई जानकर ओगजू को बहुत गुस्सा आता है। रात में चोई जब अपने दोस्तों से कॉल पे बात करता है
कि कल हम हेवेंस क्लब में मिलेंगे, तो ये चीज़ हिडन माइक की मदद से ओकजो भी सुन लेती है। अगले दिन ओकजो भी सच सवर के हेवेंस क्लब पहुंच जाती है। वहां जोई की नज़र ओकजो पे पड़ती है, वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और जोई ओकजो को अपने साथ एक होटल रूम ले जाता है। ये होटल जंगलों के बीचों बीच था। रूम में पहुँचने के बाद जोई ओकजो को वाइन पीने को देता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इसे पीकर ओकजो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जोई अपने बैग से बेडियसन की सारी चीजें निकालता है। सबसे पहले वो ओकजो के ऊपर बैठकर उसकी वीडियो बनाना शुरू करता है। इससे जोई को बहुत मजा आता है। फिर वो धीरे धीरे ओकजो के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। तभी अचानक ओकजो एक नाइफ से जोई पे हमला कर देती है, पर जोई नाइफ पकड़ लेता है जिससे उसके हाथों से खून बहने लगती है। इसके बाद ओकजो और जोई के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। दरअसल ओकजो ने वो वाइन टॉयलेट में फ्लश करके बेहोश होने का नाटक किया था। ओकजो नाइफ से जोई का जबड़ा फाड़ देती है, फिर वो उसे स्टैब करके मारने ही वाली थी कि होटल स्टाफ बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। दरअसल जोई का इस होटल से सांड गार्ड था। भागते हुए एक गोली ओकजो के आर्म्स पे लग जाती है। तभी ओकजो का सामना दूसरे होटल स्टाफ से होता है जिसके हाथ में चेनशो था। वो ओकजो को मारने के लिए दौड़ता है, पर सही वक्त पर एक छोटी सी लड़की दरवाजा खोल देती है जिसे टकरा कर वो गिर जाता है और चेनसो से उसका ही पैर कट जाता है। तब वो लड़की और ओकजो चोई के लंबरगनी से फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर चोई का इलाज चलता है, उसके जबड़े की सिलाई की जाती है। अगले दिन चोई के बॉस अपने बंदों के साथ चोई को देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि हम ड्रग्स का धंधा करते हैं, लड़कियों की तस्करी भी करते हैं और कभी कभी किसी को टपकाना भी पड़ता है, पर हमारे धंधे का भी कुछ उसूल है। मैंने तुम्हें लड़कियों का जिम्मा सौंपा था, पर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाने को नहीं कहा था। तुम्हारी हालत देख कर मेरे आदमी घबराए हुए हैं, तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई है। इसके बाद वो चोई का मुंह जोर से दबाते हैं। जख्म अभी ताजा था इसलिए चोई के गाल से खून बहने लगती है। चोई के बॉस कहते हैं कि 3 दिन के अंदर मुझे वो लड़की चाहिए जिसने तुम्हारी ये हालत की है। दूसरी ओर जिस लड़की ने ओकजो की मदद की थी वो उसे बताती है कि कैसे चोई लड़कियों की पहले अश्लील वीडियो बनाता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो तुम्हें BDSM में इन्वॉल्व होना होगा। चोई ने इसी तरह से ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है, इसलिए मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। इधर चोई अपने दोस्त म्यूंगशिक के पास जाता है और बताता है कि उस लड़की ने मेरा चेहरा खराब किया और मेरी लंबरगिनी भी चोरी कर ली, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। म्यूंगशिक एक मामूली सा फार्मासिस्ट था, वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। तब जोई उसे 100 मिलियंस का लालच देता है जिससे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओकजो को दिखाया जाता है, वो इलीगल वेपन्स खरीदने के लिए गई हुई थी जहां उसे कुछ पुराने हथियार मिलते हैं। उधर म्यूंगशिक डिटेक्टिव किम से कॉन्टेक्ट करता है, वो उन्हें जोई की लंबरगिनी का पता लगाने को कहता है। एक रात ओकजो जब घर आती है तो देखती है कि वो लड़की मिसिंग है, वो उसे ढूंढने लगती है। तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और अगले दिन चोई अपने बॉस को बताता है कि हमने ओकजो को मार दिया है, पर ये सच नहीं था। दरअसल वो लड़की अब चोई के कैद में थी और चोई उसे ओकजो के बारे में पूछताछ कर रहा था, यानी उसने अपने बॉस को झूठी कहानी सुनाई थी। वो लड़की जब ओकजो के बारे में कुछ नहीं बताती है तो चोई चाबुक से उसे पीटने लगता है। दूसरी ओर ओकजो उसी होटल जाती है जहाँ चोई उसे लेकर गया था। वो होटल स्टाफ से चोई के अड्डे के बारे में पूछती है, जब उसे जवाब मिल जाता है तो वो होटल स्टाफ को भी शूट करके मार डालती है। फिर वो उसके बताए हुए जगह पे जाती है, उसे लिफ्ट में 3 लोग मिलते हैं। लिफ्ट जब तक रुकती है तब तक ओकजो ने उन 3 का काम तमाम कर दिया था। आगे उसे एक लैब मिलती है जहाँ ड्रग्स की खेती की जा रही थी। ओकजो गन पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग मुझे उस लड़की के बारे में बता दोगे तो बच जाओगे, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। ओकजो को देखकर चोई के बॉस समझ जाते हैं कि चोई ने झूठ कहा है कि मैंने ओकजो को मार दिया। इससे चोई के बॉस को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो ओकजो को बैठने के लिए चेयर ऑफर करते हैं और कहते हैं कि आओ आराम से बैठ कर बातें करें। ओकजो को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था, इसलिए वो चोई के बॉस को शूट करके मार डालती है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। ओकजो फिर से उस लड़की के बारे में पूछती है पर कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए ओकजो शूट करना चाहती है मगर उसकी गन काफी पुरानी होने की वजह से धोखा दे देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चोई के गैंग वाले
उगजू को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उगजू के पास एक और गन थी। वो उस गन से एक एक करके कई सारे लोगों को मार डालती है। गोली खत्म हो जाने के बाद वो खाली हाथ भी उनसे फाइट करती है। इतने सारे लोगों से फाइट करने में मुश्किलें तो आ रही थी, पर उगजू हार नहीं मानती है। लास्ट बंदी को मारने से पहले वो जोई के बारे में पूछती है, पर वो जवाब नहीं दे रहा था। तब गुस्से में उगजू उस बंदी को कांच का टुकड़ा खिलाकर जोर से पंच करती है, जिससे वो लहूलुहान होकर मारा जाता है। उगजू जब वापस आने लगती है तो उसे म्योंगशक दिखता है। उसकी गाड़ी में वो लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके पूरे बदन पे चाबुक के निशान थे। ये देखकर उगजू रोने लगती है। फिर वो म्योंगशक की ओर गन पॉइंट करती है और एक गोली चलने की आवाज आती है, पर ये गोली चोई ने उगजू को मारी थी और म्योंगशक बच गया था। इससे म्योंगशक राहत की सांस लेता है और कहता है कि अब मैं उसे देख लूंगा, पर अचानक चोई म्योंगशक को भी शूट करके मार डालता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि म्योंगशक काम का बंदा नहीं है। इसके बाद वो उगजू को मारने के लिए जाता है, पर चोई उस पे ही गोली चला देती है। अब तक वो लड़की भी होश में आ गई थी। वो दोनों मिलकर जख्मी चोई को समुद्र किनारे ले जाते हैं। फिर वो एक मशीन से चोई को जलाकर राख करने वाले थे। तब चोई गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। वो पूछने लगता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो। देखो, मुझे अपने किए का पछतावा है। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें अथाह पैसे दे सकता हूँ। पर उगजू उसकी एक भी नहीं सुनती। वो उस फायर मशीन से चोई को जिंदा भून देती है। इसके बाद उगजू को मिन्ही की याद आती है। दरअसल मिन्ही को समुद्र बहुत पसंद था। वो तो अगले जन्म में मछली बनना चाहती थी, इसलिए उगजू ने चोई को समुद्र किनारे लाकर मारा था। साथ ही उसने चोई के लंबरगिनी को भी जलाकर राख कर दिया था। इस तरह से उगजू अपनी फ्रेंड मिन्ही की मौत का बदला लेने में कामयाब हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।